अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिन के किचन में आज हम आपको बेसन की इडली बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम एक कप बेसन लिया, अभी इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि छानने से जो भी कचरा है वो निकल जाएगा और इडली भी अच्छी तरीके से फूलेगी। बेसन को अभी मैं छान ली, ये तकरीबन एक कप मींस बड़ा वाला एक कप मींस 125 टू 130 ग्राम्स रहेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रवा। दो मार्केट में दो किस्म का रवा मिलता, बारीक और मोटा, मगर मेरे पास मोटा था। इसको लेकर थोड़ा सा मिक्सी में डालकर मैं पीस ली, तकरीबन ये आसपास 100 ग्राम का है। डालिए हाफ स्पून नमक, 200 ग्राम दही, एक मीडियम साइज का नींबू का जूस। अब हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे घी एयर बबल्स भी निकलने तक और घीटी ना पड़ने तक। 70-80 ml वाटर ऐड करके फेंटेंगे। फिर उसके बाद उसकी कंसिस्टिंग कैसी रही देखकर फिर थोड़ा सा एटलीस्ट 5-10 ml वाटर मिक्स करेंगे, जरूरत पर नहीं वरना तो नहीं करेंगे। हाँ, अभी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, अब इसको रख देंगे अपन, इसकी ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। हाँ, ग्रीन चटनी के लिए एक कट्टा पुदीना लिया और चार हरी मिर्ची अच्छा धोकर, क्योंकि इसमें क्रिक रहती साफ धोना चाहिए। ये हरी मिर्ची को चार लिया, मैं इसको छोटे पीसेस कर लूंगी। आधा कप दही, हाफ स्पून काला नमक, जो काला नमक बोलते हैं ना वो वाला, घर का नॉर्मल जैसा नमक पाव स्पून, ये थोड़ा सा भुजिया जो कहते हैं ना वो घर में बच्चे खाते हैं वो वाला, क्योंकि इसको बाइंडिंग के लिए डालने है। बस अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना नहीं हो तो चने की दाल लेकर भून के एक स्पून डालिए। अब हम इसको मिक्सी की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी ग्रीन चटनी देखिए तैयार हो चुकी। अब हम इडली की तरफ चलेंगे। अब हम एक इडली वाला कुकर ले लेंगे, उसके अंदर पतीले के अंदर एक गिलास पानी डालकर प्री हीट के लिए गैस पे रख देंगे। अगर आपके पास इडली वाला कुकर ना हो तो कौन से भी पतीले में भी डालकर पानी रख सकते हैं। हाँ, ये इडली का स्टैंड ले लीजिए, इसको थोड़ा सा तेल लगाइए। तेल लगाने पे क्या है मालूम है, इडली बड़ी आसानी से निकल कर आती है। हाँ, इडली के लिए हम बेसन और रवे को मिक्स करके रख लिया ना, उसके अंदर अब हमें एक इनो की एक वाली पैकेट डालिए ना सा, इसमें ऐड करिए और 10 ml वाटर। अब इसको अच्छी तरह फेंटिए बेसन के आटे को, अभी इसमें हम डालते जाएंगे। अभी तो तेल लगाया था ना पहले, फिर अब इसी तरह सारे इडलियों के सांचे में डालिए। बेसन की इडली का आटा हम सारे उसमें भर लिए। अभी ये प्री हीट के लिए कुकर रखा ना, अभी उसके अंदर रख देंगे हम। अभी इडली के कुकर के अंदर रख दिया हम, 20-35 मिनट्स तक मीडियम गैस पे मीडियम फ्लो पे पकने दीजिए। इडली तैयार हुए तक हम इसका घोल बना लेंगे। थोड़ा सा तेल डालिए, ऑयल गर्म होने के बाद राई डालिए, 1 स्पून राई डाला था, अब ये हींग है एक हाफ स्पून हींग डालिए, करिया पाक के चनपत्ते 200 ml वाटर डालिए, 1 स्पून शुगर बड़ा वाला स्पून, एक नींबू का जूस, चन कोतमीर के पत्ते। इस घोल को ज्यादा मत पकाइए, खाली शक्कर घुलने तक पकाइए। हाँ, अभी हमारा घोल तैयार हो चुका, गैस को ऑफ कीजिए।
हाँ, बेसन की इडली अभी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए अभी हम ये पके या नहीं पके कैसा मालूम करना बोले तो, कौन सी भी एक टूथ स्टिक या नहीं तो कौन सी भी स्टिक ले लेके ऐसा डालकर देख सकते हैं। अगर नहीं हो तो छुरी भी डालकर ऐसा प्रेस करना चाहिए, फिर उसको आहिस्ता ले लेना चाहिए। देखिए इसको कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मीन्स पका हुआ है। अब ये पक गया। अब हम इसको आहिस्ता से, ज़रा हिफाजत से ही, नॉर्मल तरीके से, हिफाजत से ही आहिस्ता 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 इसको सारे इडलियों को निकाल लेंगे। पकते ही नहीं निकालेंगे, पहले इसको 10 मिनट छोड़ देंगे, 10 मिनट ठंडा होने के बाद से निकालेंगे। देखिए कितना आसान इसे और कितना अच्छा निकला, देखिए। अब देखिए ये हमारी चटनी है, ये हमारी इडली है, अब ये हमारा घोल है। ये घोल को आहिस्ता आहिस्ता इन इडलियों पे डाल लीजिए, सारे इडलियों पे डाल लीजिए, क्योंकि इडली तो बहुत स्पंजी है और ये डालने पर पूरा इसमें चले जाएगा और इडली बहुत सॉफ्ट और नरम रहेगी। शाहीन के किचन में बेसन की इडली बन के तैयार हो चुकी, खुद भी खाइए और दूसरों को खिलाइए। प्लीज सब्सक्राइब। देखिए कितनी स्पंजी और कितनी अच्छी मुलायम, देखिए इडली जैसी बनी पूरी।